पखंजूर चारे पे 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना की पुष्टि डीआईजी सुंदरराज पी ने की है। शहीद जवानों में एक एएसआई और 3 जवान शामिल है। ये हमला कांकेर के पखंजूर से 35 किलोमीटर दूर मोहल्ला जंगल की है, जहां रूटीन ऑपरेशंस पर निकले बीएसएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया है। फिलहाल इलाके में बैकअप पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार सर्चिंग चल रही है। जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबार हुई। अचानक हुए हमले में 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, वहीं कुछ जवान के घायल होने की भी खबर है। दरअसल कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान किया जाना है। पिछले दिनों सुरक्षा को लेकर अफसरों ने रिव्यू भी किया था। इसी बीच इस हमले ने एक बार फिर सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। इधर इलाके में पुलिस पार्टी सर्चिंग ऑपरेशंस चला रही है। इस हमले के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की थी, लेकिन जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से फरार हो गए। वहीं पर 2 किलोमीटर आगे पुलिया भी निर्माण कार्य जारी था, वहां पे भी सुरक्षा के लिए गए हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगा करके बीएसएफ की पार्टी पुलिस की पार्टी पर एम्बुश किया गया। एम्बुश करने पर वहाँ पर जो घटना हुआ है उस पर 4 जवानों के शहीद होने का प्राथमिक तौर पर सूचना प्राप्त हुई है, तथा 2 घायल हैं। सभी जो जवान हैं वो अभी वापस आकर के कैंप में पहुंच गए हैं, और तत्काल मौके पर जो रीइन्फोर्समेंट के लिए पार्टी जो है पहुंची है, और एरिया में जितने भी आसपास के कैंप हैं वहाँ से बल रवाना करके सर्चिंग जो है तेज किया गया। मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। जिसके साथ फायरिंग किया गया है वो पार्टी जो है अभी वापस कैंप पहुँच गई है।